Ladies and gentlemen, today I shall be discussing one of the most important topics of the administrative law, that is delegations of power and delegated legislation. The first question you will ask me, it is that legislature has the sole authority to make the law. How this can be delegated to somebody else? Delegate करने का मतलब ये है कि इख्तियारात को तफवीज करना, दूसरे मानों में मुफव्वज़ा इख्तियारात जो हैं उनको तफवीज़ शुदा या डेलीगेटेड पावर कहते हैं। मिसाल के तौर पर आपको एक इख्तियार दे दिया जाता है प्रिंसिपल की तरफ से कि आप मेरी तरफ से यहाँ साइन, वाइस प्रिंसिपल साहब को इख्तियार है कि वो प्रिंसिपल साहब की जगह दस्तखत कर दे। दैट पावर इज़ अ डेलीगेटेड पावर, यानी उनको वो इख्तियार जो है वो तफवीज़ कर दिया गया है। अब सवाल ये पैदा हो जाएगा कि तफवीज़ क्या बला है। तफवीज़ आप आसान लफ्ज़ों में समझ लीजिए कि एक मेरा काम था, मैंने अपना काम आपके सुपुर्द कर दिया, इसको क्या कहेंगे, मैंने आपको तफवीज़ कर दिया कि आप ये काम करें। यूजली द लॉज आर मेड कवरिंग जनरल प्रिंसिपल्स, यानी कानून साजी के असूल अमूमी होते हैं, अमूमी असूल होते हैं, एंड और उस किसी ना किसी पॉलिसी के तहत किसी ना किसी ज़रूरत को पूरा करने के लिए वो कानून जो हैं वो बनाए जाते हैं, और उनका ताल्लुक किसी ना किसी मौजू से होता है, किसी वजह से उनका ताल्लुक होता है, और उस वजह की बुनियाद पर कानून वजूद में आता है। उसकी वजह से कानून जो है वो वजूद में आता है। अब इसका मतलब ये हो गया कि यू हैव गॉट द पावर्स विच द लॉ मेकर हैज़ एंड ही हैज़ डेलीगेटेड दोज पावर्स टू यू। यू आर इस फेल का, इस चीज़ का नाम है पावर को मुंतकिल करना। अब देखो, मैंने अपने किसी लेक्चर में ये अर्ज़ किया था कि जब कानून लेजिस्लेचर बनाती है तो वो कानून जो है उसमें उसका मोडस ऑपरेंडी, यानी उसका तरीके कार, उसका लागू करने का तरीक जो है वो उसमें नहीं बताया जाता। जब आप ये बात करते हो तो आप ये सारा कुछ छोड़ते हो एडमिनिस्ट्रेशन पर। एडमिनिस्ट्रेशन उस पर रूल्स बनाती है, तरीक़ेकार वज़ा करती है। नंबर दो, बाज़ औकात एडमिनिस्ट्रेशन को ये इख्तियार दिया जाता है कि आप इस मामले में कानून खुद वज़ा कर लें, और दिस रूल मेकिंग पावर जो है, दिस रूल मेकिंग पावर इज़ नोन एज डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, ये जो मदर एक्ट है, मदर एक्ट एक अलग चीज़ है। मदर एक्ट इज़ ब्रॉट इनटू बीइंग बाय द लेजिस्लेचर, बट द रूल्स दे आर ब्रॉट इनटू बीइंग बाय द योर एडमिनिस्ट्रेशन, एंड दिस एक्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन इज़ कॉल्ड डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। और स्टैट्यूट बुक है एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है, दैट मे बी रेड विद द डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, यानी उन असूल की रोशनी में उसको पढ़ा
जा सकता है, उन असूल की रोशनी में उसको पढ़ा जा सकता है। अब मैं काम मिसाल देता हूँ कि अगर वो असूल ना हो किताब के साथ, वो असूल ना हो तो आपको उसकी पूरी समझ नहीं आएगी। जब आप कोई एक्ट उसके साथ वजह करदा असूलों की रोशनी में पढ़ते हैं तो आप उस पर हावी होने की अहलियत रखते हैं। ये है आपकी डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। ये लेजिस्लेशन जो डेलीगेट की जाती है किसी दूसरे आदमी को या दूसरी बॉडी को या एडमिनिस्ट्रेशन को, इट इज़ आल्सो नोन एज सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन। सबॉर्डिनेट का क्या मतलब है? तहत, किसी के नीचे रह के, किसी की अथॉरिटी के नीचे रह के कोई कानून जब एडमिनिस्ट्रेशन वजह करती है तो दैट इज़ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। माँ तहत का मैंने लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल नहीं किया, माँ मैंने होता है वो, तहत नीचे, वो नीचे, इसका मतलब आप ये लेंगे कि लेजिस्लेशन, सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन चूँकि प्रिंसिपल लेजिस्लेशन के, मेन लेजिस्लेशन के तहत होती है, इसलिए उसको डेलीगेटेड लेजिस्लेशन या सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन कहा जाता है। उम्मीद है कि आपको इस लफ्ज़ के मानी आ गए होंगे। अब जो ये सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन है इसकी भी आगे से दो अकसाम हैं। पहली किस्म ये है कि सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन वो एजेंसी करती है या वो महकमा करता है या वो अथॉरिटी करती है जिसको कानून ने इख्तियार दिया हो, जिसको, यानी कानून से मुराद यह है कानून, यानी लॉ मेकिंग अथॉरिटी, लेजिस्लेचर, जिसको लेजिस्लेचर इख्तियार बख्शती है वो सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन की अहलियत रखता है, जिसको वो इख्तियार नहीं देती वो सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन या डेलीगेटेड लेजिस्लेशन नहीं कर सकता। गोया डेलीगेटेड लेजिस्लेशन या सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन की जो शर्त अव्वल है वो ये है कि लॉ मेकर पार्लियामेंट कानून बनाए, उस कानून को इंतज़ामिया के सुपुर्द कर दे और उसको कह दे कि आप इसको लागू करने के लिए जो रूल्स हैं, जो असूल हैं, वो आप खुद वज़ा कर लें, तो वो रूल मेकिंग पावर जो है उसको हम डेलीगेटेड पावर या सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन कहेंगे। प्रिंसिपल लेजिस्लेशन इज़ द प्रेरोगेटिव ऑफ द पार्लियामेंट एंड सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन इज़ यूजुअली डन बाय द सबॉर्डिनेट, यूजुअली बाय द, जबकि वो है यार एडमिनिस्ट्रेशन, सॉरी, सब्सिडरी रूल्स विच आर मेड बाई द सबॉर्डिनेट एजेंसी इन परसुएंस ऑफ द पावर दैट इज डेलीगेटेड। दूसरा, अगर अब आप उन असूलों की रोशनी में मजीद असूल वज़ा करें तो है तो वो भी डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, लेकिन वो आपका मेरा इस वक्त मौजू नहीं, हमारा आपका मौजू डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है यानी सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन है। अब इसकी अकसाम पर हम आते हैं। एक्सरसाइज, पहली किस्म क्या है? पहली किस्म वो है कि लेजिस्लेचर ने जो आपको इख्तियार दे दिए, जो एक्ट बनाया उसके तहत जितने रूल बनेंगे वो तमाम जो हैं वो पहली किस्म यानी सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन में आएंगे, और नंबर दो सब्सिडरी रूल्स विच आर मेड बाय द सबॉर्डिनेट एजेंसीज। अब देखो, रूल बन गए, सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन हो गई, उसके बाद जो असूल हैं उनके तहत दूसरे असूल फैसिलिटेट करने के लिए जो बनाए जाते हैं वो इस वक्त उसको सबॉर्डिनेट डेलीगेट सब डेलीगेशन कहेंगे, वो मौजूद बहस नहीं।
डेलीगेटेड लेजिस्लेशन इज यूज इन द फर्स्ट सेंस, यानी डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ द पावर ऑफ रूल मेकिंग, डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ द पावर ऑफ रूल मेकिंग टू होम, टू द बॉडी कंसर्न विच इज यूजली द एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। अब यहाँ तक हम आ गए कि डेलीगेशन ऑफ पावर क्या है, डेलीगेटेड पावर क्या होती है, डेलीगेटी कौन होता है जिसको पावर दी जाती है, उसको इख्तियार क्या दिया जाता है, यहाँ तक हम समझ गए। अब सुबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन या डेलीगेटेड लेजिस्लेशन जो है उसकी मुख्तलिफ, उसको नाम दिए गए हैं मुख्तलिफ महकमों की तरफ से, और मुख्तलिफ उनके जो अफ़आल हैं या मकासद हैं जिनके लिए वो सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन अलाउ की गई, उसके हिसाब से या उसके तनासुब से या उसके तनाजुर में उनको मुख्तलिफ नाम दिए गए हैं। पहले आ गए रूल्स। रूल्स वो असूल हैं, रूल्स वो असूल हैं जो बराहे रास्त आपकी जो ला बुक है, पेरेंट एक्ट है, उसको रूप अमल लाने के लिए जो बनाए गए वो क्या हैं, वो रूल्स हैं। उसके बाद बारी आएगी रेगुलेशंस, बाईलॉज और ऑर्डर्स की। ऑर्डर में भी एग्जेक्टिव, एग्जेक्टिव ऑर्डर क्या है, एग्जेक्टिव ऑर्डर ये है कि ज़रूरत पड़ी असम्बली नहीं, वज़ीर आज़म बैठ के कैबिनेट से मशावरत के बाद एक ऑर्डर जारी कर देता है, दैट इज़ एग्जेक्टिव ऑर्डर। इसी तरह आपके बहुत सारे दूसरे अहकाम जो हैयत हाकमा की तरफ से जारी होते हैं वो एग्जेक्टिव ऑर्डर होते हैं। हैयत हाकमा मैंने किसका तर्जमा किया, आपकी एग्जेक्टिव का। हैयत मैंने सूरत, हाकमा जो हुक्म दे सके। अब यहाँ आप फर्क करोगे हकम में और हुक्म में, हुक्म क्या है, ऑर्डर है, हकम क्या है, ये किसी का इंसाफ की बुनियाद पर फैसला करने वाला जो आदमी है वो हकम कहलाएगा। जेर और ज़बर का फ़र्क ज़रा ध्यान रखा करो। रेगुलेशन एंड बाईलॉज आर यूजली यूज विद रेस्पेक्ट टू द लेजिस्लेशन फ्रेम्ड बाय द कॉरपोरेट बॉडीज, यानी ये जो कॉरपोरेशनें हैं, ये जो असूल कवानीन बनाते हैं ये उनके दाखली मामलात को गवर्न करती हैं, और जो उनके दाखली, उनको नाम दे दिया जाता है बाईलॉज का। यानी ये असल ला तो नहीं लेकिन ये ला के मतवाजी या ला की पैदावार है, गोया ला इज़ दी ओरिजिन ऑफ दी बाईला, एंड रेगुलेशंस आर आल्सो सब्जेक्ट टू दी ला। रेगुलेशन कैन नेवर गो बियॉन्ड दी ला, और रेगुलेशंस जो हैं वो मैं अर्ज कर दूँ विद रिस्पेक्ट टू दी लेजिस्लेशन फ्रेम्ड बाय द स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशंस एंड डेलीगेटेड लेजिस्लेटिव, हु आर डेलीगेटेड विद दी लेजिस्लेटिव पावर्स। दीज कॉरपोरेशंस, देर आर टू लेवल्स ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशंस। अब दोबारा गौर से सुनो कि जनरली देर आर टू लेवल्स ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन इन द कॉरपोरेशन। गवर्नमेंट इटसेल्फ कैन मेक द लॉ, गवर्नमेंट कैन इटसेल्फ मेक द रूल्स, और तमाम तर जिम्मेदारी जो है वो उनकी है। उसके बाद डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का जो तसव्वुर है वो ख़त्म हो जाएगा। नंबर दो, कॉरपोरेशन कैन मेक इट्स ओन लॉज अंडर द डेलीगेटेड पावर्स, और वो जो कॉरपोरेशन अपने लॉ बनाएगी ये बाई लॉज और ये रेगुलेशन, ये तमाम उनके तहत आएंगे, ये रूल्स पर नहीं कहलाएंगे, या ये बाईला होंगे या रेगुलेशन होगा। देन अगेन गवर्नमेंट एंड कॉरपोरेशंस रूल्स जो हैं जो यानी इन पाकिस्तान डेलीगेटेड लेजिस्लेशन हैज बिकम इम्पोर्टेंट।
डेलीगेशन हमारे मुल्क में एक इम्पॉर्टेंट रोल रखती है, अहम रोल रखती है। और कॉरपोरेशन के जो रूल्स बनाए जाते हैं दोज़ आर नोन एज रेगुलेशंस। अब हमारा अपनी तरफ देखिएगा कि एज ग्रेटर पावर्स हैज बीन डेलीगेटेड, क्योंकि पावर्स डेलीगेटेड जो हैं इसको एडमिनिस्ट्रेशन को, इंतज़ामिया को, वो बेशुमार हैं। तो डेलीगेशन जो है, लेजिस्लेचर कैन डेलीगेट द पावर टू एनी एक्सटेंट, बट दैट कैन नॉट डेलीगेट द पावर ऑफ मेकिंग एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट यानी कानून, बुनियादी कानून बनाने की ताकत नहीं दे सकती। एंड मस्ट नॉट डिस्ट्रॉय इट्स ओन लॉ, उसको अगर वो दे देगी तो उसका क्या फ़र्क पड़ेगा? उसका फ़र्क पड़ेगा कि उसने अपनी लेजिस्लेटिव पावर्स को खुद तबाह कर दिया है, खुद ख़त्म कर दिया है। और मेरी तामीर में मुजमर है एक सूरत खराबी की अगर वो ऐसे करेगी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि उनको पता है कि पावर क्या है। और पावर जो है वो कोई बॉडी हो, कोई आदमी हो, कोई शख्स हो, वो अज खुद पावर दूसरे को मुंतकिल करके कभी खुश नहीं होता। अच्छा जी, एवरी लॉ मेकिंग पावर शुड रिमेन इन इट्स ओन हैंड्स, यानी ये ज़रूरी है कि लॉ मेकिंग पावर जो है वो लेजिस्लेचर के पास रहे और रूल मेकिंग पावर कैन ओनली बी डेलीगेटेड। किस्सा कोता और हासले बहस ये हो गया कि लेजिस्लेचर जो है उसके पास मदर पेरेंट एक्ट बनाने की है ताकत, लेकिन उसको लागू करने की और लागू करने के लिए असूल और कवानीन को वज़ा करना और तरीक़ेकार जो है उसका वजूद में लाना, वो किसका काम है? वो अगर वो डेलीगेट करें तो इस सूरत में वो काम है इंतज़ामिया का। अगर डेलीगेट नहीं हुआ, उन्हें रूल वगैरह खुद बना लिए, तो इस सूरत में वो पावर डेलीगेट नहीं हो सकती। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि इसमें कोर्ट्स का, अदलिया का क्या रोल है? अदलिया का रोल ये है कि जो चीज़, जो रूल, इवन सम एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट, इवन सम इवन एन आयोटा विच इज़ कंटेन्ड इन द लॉ, दैट इज़ इफ दैट इज़ अगेंस्ट योर फंडामेंटल राइट्स, देन द कोर्ट कैन स्ट्राइक इट डाउन। क्या मतलब हुआ? मतलब इसका ये हुआ कि हर वो चीज़ जो अवामुन्नास के मुफाद यानी मुफाद आमा और बुनियादी हकूक के ख़िलाफ़ हो, कानून उस का बड़ी आला अदलिया जो है उसको स्ट्राइक डाउन कर सकती है। अदलिया के पास इस ज़मन में यानी दो इख्तियारात हैं, एक आर्टिकल 199 है, एक 284(3) है। तो इसके तहत वो सू मोटो नोटिस दे सकते हैं, अपने आप दे सकते हैं कि ये जो लुचपना हुआ है ये किसने किया है, और उसको वो सेट असाइड कर सकते हैं। वेदर दे कैन टेक सू मोटो नोटिस, वेदर दे डू नॉट टेक सू मोटो नोटिस, इन उनकी अपनी मर्जी है कि जैसे वो मुनासिब समझें। अच्छा, वो कब इसको मुनासिब समझेंगे? When they find it that it is ultra vires the enabling act, यानी जो बुनियादी कानून है, जब वो उसके ultra vires होगा तो वो they can set it aside, उसको ख़त्म कर सकते हैं। ultra vires और intra vires, पिछले किसी लेक्चर में मैंने इस पर पूरी तरह आपको समझाया था कि ultra vires क्या है, intra vires क्या है। Within the law and beyond the scope of the law, ultra vires is beyond the scope of the law. Then law ho gaya, uske baad aa gaya constitution, yani any parent act, any act of the parliament, any rule made there under, if that is inconsistent with your fundamental rights, if that is inconsistent with your
ह्यूमन राइट्स, देन इट कैन बी सेट साइड, इट कैन बी रिड्यूस टू नलिटी इन केस ऑफ लॉ बाय द हायर कोर्ट. सेकंड विच इज अल्ट्रा वायरस द कॉन्स्टिट्यूशन, जो आपका बुनियादी ढांचा है जिस पर आपका मुल्क खड़ा है, जो कानून या कवानीन उसके खिलाफ भी बनेंगे जिसके से जो कॉन्स्टिट्यूशन है उस पर मनफी असर पड़ता हो, दे शैल ऑल्सो बी सेट असाइड रादर स्ट्रक डाउन बाय द हायर कोर्ट्स. देन अगेंस्ट द प्रोसीजर लेड डाउन, मैंने जब अल्ट्रा वायरस पर गुफ्तगू की थी आपसे तो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था कि अल्ट्रा वायरस जो है वो टेरिटोरियल हो सकती है, अल्ट्रा वायरस ज्यूरिस्डिक्शन की हो सकती है, अल्ट्रा वायरस प्रोसीजर की हो सकती है. अब एक तरीक़ेकार वज़ा हो गया, अगर उस तरीक़ेकार पर अमल किए बग़ैर आपने कानून को लागू किया तो वो अल्ट्रा वायरस कैन आल्सो बी स्ट्रक डाउन बाई, एंड इफ दैट इफ द रूल में डेलीगेटेड पावर के तहत आपको ये इख्तियार आप ले लेते हैं कि आप प्रोसीजर को बाईपास कर दें, तो आप प्रोसीजर को बाईपास नहीं कर सकते. नंबर एक. नंबर दो, आप बुनियादी कानून को बाईपास नहीं कर सकते रूल मेकिंग के जरिए. आप कॉन्स्टिट्यूशन को मनफी तौर पर ट्रीट नहीं कर सकते अपनी डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के लिए. गोया डेलीगेटेड लेजिस्लेशन जो है इसके ऊपर जो कदगन लगा दी गई है वो ये है, वो इसलिए लगाई है कि आदमी जो है वो हमेशा खसरान में है, खासरीन में से है, और जब इसको मौका मिलता है ये अपने हकूक से तजावज़ करता है, अपने फ़राइज़ को कम करता है, और ये एक उसके अंदर जो हिर्स और हवा की रखी गई है चीज़ कि मैं शायद इसके ज़रिए आब हयात मुझे मिल जाएगा, वो नहीं मिलने का लिमिट्स में रखने के लिए, जैसे कि आपके दीन ने आपको लिमिट्स में जकड़ा है, और आपकी बहुत सारी ऐसी बातें जो जिबिलत में हैं उनको भी उन पर भी रोक लगा के उनको रेगुलेट किया है. इसी तरह जो डेलीगेटेड पावर है और डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है उस पर भी कदगन लगा के इसको भी ख़ास हदूद और कयूद के तहत रखा गया है, ताकि ना तो कॉन्स्टिट्यूशन की अल्ट्रा वायरस हो, ना प्रोसीजर की अल्ट्रा वायरस हो, ना एनेबलिंग एक्ट की अल्ट्रा वायरस हो. देन नाउ आई कम टू द अल्ट्रा वायरस ऑफ द एनेबलिंग एक्ट. व्हाट इज दैट एनेबलिंग एक्ट की अल्ट्रा वायरस क्या है? एनेबलिंग एक्ट से क्या मुराद है? एनेबलिंग एक्ट से मुराद ये है कि वो एक्ट जो आपको इख्तियारात तफवीज़ करता है, आपको वो मुकाम बख्शता है कि आप उसको इस्तेमाल कर सको अपनी ताकत को. कानून बनज़र ज़ाहिर इसलिए बनाया जाता है कि उससे आपका भला हो. मैंने बनज़र ज़ाहिर प्राइमा फिसाई का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, वरना मैं कुछ ना कुछ ऐसे कवानीन गिना सकूँगा जो आपके भले में बिल्कुल भी नहीं है. बट स्टिल दोज आर देयर एंड दे आर द टैक्सेशन लॉज. Taxation laws are inhuman, illegal, beyond it directly they strike upon your liberty. Nobody thinks over it while making it, और ना ही कोई एतराज़ करता है कि हमारे जो हकूक हैं उनको छीन लिया गया है. I come to the rules. हाँ, एक बात मैं कहूँगा, जो टैक्सेशन है, जो फीस हैं, वो सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन के ज़रिए नहीं वसूल की जा सकती, उनको लागू नहीं किया जा सकता. ये सिर्फ पेरेंट एक्ट इसको कर सकता है, सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन इसको नहीं कर सकती.
एनेबलिंग एक्ट क्या हो गया? एनेबलिंग एक्ट वो एक्ट हो गया जो आपको इस काबिल करता है कि आप टैक्सेशन वगैरह ये वो ले सकें, क्योंकि ये आपकी जो सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन है उसके ज़रिए ये आप नहीं कर सकते। व्हाट आर द रूल्स? अब देखो, रूल्स आर सबॉर्डिनेट टू द मदर एक्ट, देयरफॉर दे कैन नॉट रूल द वर्ड्स ऑफ द स्टैट्यूट और पेरेंट एक्ट। यू अंडरस्टैंड इट? के रूल्स जो सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन है ये पेरेंट एक्ट पर गालिब नहीं आ सकती और ना ही उसको रूल कर सकती है। इफ नो रीजनेबल इंटरप्रिटेशन और रिकंसिलिएशन, जब आप इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स में है कि ऑलवेज ट्राई दैट ऑल दी प्रोविजंस ऑफ द लॉ दे कम इन टू कॉन्सोनेंस विद ईच अदर, वो एक दूसरे से मिल जाए, नहीं मिलते तो क्या उसका नतीजा होगा? तो जो उनमें से रूल कानून की बज़ाहिर खिलाफ वर्जी करता होगा या हयात आपकी बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी करता होगा, वो कानून जो है वो स्ट्रक डाउन हो जाएगा। रूल्स में भी अल्ट्रा वायरस, अब देखने की बात यह है कि रूल्स में भी अल्ट्रा वायरस, रूल्स जो हैं ये अल्ट्रा वायरस हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं अल्ट्रा वायरस? जो कानून साज है ना, जो डेलीगेटेड पावर के तहत काम करता है, रूल्स बनाता है, उसका दिमाग ख़राब हो जाता है, उसके अंदर पावर आती है, जब उसको पावर आती है तो उसका जहन जो है उसमें रौनत आती है, फिरौनियत आती है। तो किन सूरतों में आप उसको सेटिसाइड कर सकोगे? आप ज़रा गौर से सुनिएगा। इफ़ प्रॉपर प्रोसीजर इज़ नॉट अडॉप्टेड वाइल मेकिंग द रूल, यानी सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन करते वक्त अगर आपने प्रॉपर तरीक़ेकार इख्तियार नहीं किया तो वो गलत होगा। मियाँ, तरीक़ेकार बहुत बड़ी अहमियत रखता है। चोरी का, चकारी का, डकैती का, धोखाधड़ी का भी एक तरीक़ेकार है। अगर आप उस तरीक़ेकार से हटोगे तो आपका ये फेल भी बातल हो जाएगा। नंबर दो, रूल्स आर एडवर्सली अफेक्ट द राइट क्रिएटेड बाई द एक्ट। अगर मुझे कुछ हकूक़ मिले हैं, मुझे कुछ हकूक़ मिले हैं, किसने किससे मिले हैं? मुझे किताब से, मुझे एनेबलिंग एक्ट से, मुझे कॉन्स्टिट्यूशन से, अगर कुछ मुझे हकूक़ मिले हैं, उन हकूक़ को अगर आपकी सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन नफी करती है तो इट शेल गो टू हेल एंड रूल्स कैन नॉट एनलार्ज द एम्बिट ऑफ द एक्ट। और रूल बनाकर आप कानून की जो वसत है उसको बड़ा नहीं कर सकते, उसके उफ़ को आप बड़ा नहीं कर सकते, यानी उसकी वसत जो है कानून की उसको बढ़ा नहीं सकते। देन रूल्स दे डोंट एंड दे कैन नॉट गिव यू द पावर्स विच आर नॉट वारंटेड बाय द एक्ट। जो इख्तियारात जो आपको पेरेंट एक्ट ने दिए हैं वो आप रूल्स के ज़रिए हासिल नहीं कर सकते, रूल्स वो नहीं कर सकते। क्यों भला? इससे दे विल बिकम अल्ट्रा वायरस दैट पेरेंट एक्ट। देन रूल्स मेड दी अंडर द पिनल एक्ट दे मस्ट वेरी स्ट्रिक्टली बी इन अकॉर्डिंग विद द एक्ट, यानी जो ताज़ीरी कवानीन के तहत असूल बनाए जाते हैं उनका ख़ास ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि किसी की कैद बंद, किसी की आज़ादी, किसी की मौत, किसी की ज़िंदगी का सवाल पैदा होगा। रूल्स मेड अंडर एन एक्ट हेल्ड टू बी अल्ट्रा वायरस द कॉन्स्टिट्यूशन आर इनवैलिड। और जब कॉन्स्टिट्यूशन किसी असूल को अल्ट्रा वायरस कह दे, बातल करार दे दे, तो वो बातल हो जाएंगे, हमेशा के लिए बातल हो जाएंगे। और एनेबलिंग एक्ट में भी कॉन्स्टिट्यूशन, आप देखो एनेबलिंग एक्ट, ये एक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल हो सकता है और लेकिन ये मुमकिन है कि कानून इसके तहत जो आपने कवानीन वज़ा किए हैं वो
नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल हो, अगर ऐसी सूरत पैदा हो जाए तो आप क्या कर सकते हैं, आप यू कैन नॉक द डोर ऑफ द कोर्ट एंड गेट द रूल्स एंड दैट लेजिस्लेशन बी डिक्लेयर्ड अल्ट्रा वायरस वेदर ऑफ प्रोसीजर आर ऑफ द लॉ। रीजनेबलनेस यानी माकूलियत, माकूल क्या है, माकूल एक एन से और काफ से लिखा जाता है जिसका वो ताल्लुक अक्ल से है। अक्ल वो रस्सी है जिसको ऊंट की नकेल में डाल दिया जाता है और उसको राह रास्त पर रखती है, वो है अक्ल। गोया आपको रास्ते पर रखने का जो हासा है, जो सेंस है, उसका नाम है अक्ल। रीजनेबलनेस क्या है, रीजनेबलनेस से मुराद है कि वो चीज़ जो राह रास्त पर रखे, जो आपका फेयर माइंड जिसको एक्सेप्ट करे। रीजनेबलनेस ऑफ द डेलीगेटेड लेजिस्लेशन जो है वो बड़ी ज़रूरी है, यानी डेलीगेटेड लेजिस्लेशन जो होती है, यानी जो रूल मेकिंग पावर है, उसको अक्ल के मायार पर पूरा उतरना चाहिए, उसको अक्ल के मायार पर पूरा उतरना चाहिए। मैंने माकूल कहा, अगर मैं माकूल कह दूं काफ कशिश वाले के साथ तो उसका मतलब हो जाएगा खाया हुआ, चबाया हुआ, अध खाया। इफ़ द डेलीगेटेड लेजिस्लेशन इज नॉट रीजनेबल, अगर इसमें रीजनेबलनेस नहीं, माकूलियत नहीं, देन दैट इज अल्ट्रा वायरस एंड द स्कोप फॉर द जुडिशियल रिव्यू इज ओपन, देन यू कैन नॉक द डोर ऑफ द कोर्ट एंड यू कैन गेट दैट रूल बी डिक्लेयर्ड अल्ट्रा वायरस द कॉन्स्टिट्यूशन आर द पेरेंट एक्ट आर अगेंस्ट यूर ओन फंडामेंटल राइट। इफ अगर ये जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है किसी ख़ास ग्रोह को फ़ायदा पहुंचाने के लिए हो, पार्शल हो, ये अवाम के दो तबकों के दरमियान खते तफरीक पैदा करे और डिफरेंट क्लासेस जो हैं उनके दरमियान अदम इंसाफ जो है उसको हवा दे, इवन देन इट इज़ नॉट इन अकॉर्डेंस विद द लॉ, क्योंकि पार्लियामेंट की इंटेंशन हमेशा से ये है कि ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ, ऑल द पीपल आर टू बी डेल्ट इन अकॉर्डेंस विद द लॉ एंड एवरी बॉडी इज सब्जेक्ट टू द प्रोसीजर ऑफ द लॉ। थैंक यू वेरी मच।